उत्तर प्रदेश में आज भी सरकारी योजनाओं से वंचित परिवार देखने को मिला। एक ऐसा परिवार जो कि घर का मुखिया ही लकवा का मारा हुआ है और उनकी पत्नी विकलांग है, फिर भी सरकारी योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। मामला रामपुर के मिलक तहसील के धर्मपुरा ग्राम का बताया जा रहा है, जहां पर प्रेमपति पति रमेश दोनों अपाहिज हैं और उनकी 3 बेटियां जो कि स्कूल जाती हैं। उनके घर में कोई कमाने वाला भी नहीं है, वह दूसरे लोगों पर निर्भर रहते हैं। बड़ी बात तो यह है कि लाचार परिवार वालों को सरकारी योजना का लाभ क्यों नहीं मिल रहा है। ऐसा परिवार सरकारी योजनाओं से वंचित इसलिए रह जाता है कि उनके पास अधिकारियों को घूस देने के लिए पैसा नहीं होता है। आज यह परिवार कच्ची छत के नीचे अपना गुजारा कर रहा है। महिला की विकलांग पेंशन तक नहीं बन रही और यह पूरी जिम्मेदारी गांव के प्रधान की होती है। अगर कोई परिवार गरीब बेसहारा व लाचार है, वह सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाए, क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि आज यह परिवार दूसरों के सहारे चल रहा है, यह खुद अपने पैरों पर नहीं चल पा रहा है, तो ऐसे में इनका परिवार कितनी मुश्किल से अपना गुजारा कर रहा है। अपाहिज परिवार प्रशासन से न्याय की गुहार लगा रहा है कि हमें सरकारी योजना का लाभ मिल जाए, ताकि हम अपनी बेटियों की देखभाल सही से कर सके। संवाददाता सत्यवीर सागर की रिपोर्ट। मैं आपका कमला किराला गोस्वामी। तो यहाँ पे आप धर्मपुरा में किस वजह से आए थे? मैं जन महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। मैं हर ग्रामीण में जो गरीब माताएं बहनें मिली हैं, उनकी मैं सहायता करने जाती हूँ, उनकी हेल्प करने जाती हूँ, उनसे पूछताछ करने जाती हूँ कि उन्हें क्या परेशानी है। इस सिलसिले में हम आए थे, हमने यहाँ पे ये बहन को देखा तो इनसे पूछताछ की, तो इन्होंने बताया इस संपर्क में, और प्रधान जी भी यहाँ पे आए थे, उन्हें भी इनकी चर्चा की कि ऐसा है, बहुत परेशान थी बहन, तो इस सब्जेक्ट में हमने आपसे वार्तालाप की। तो आप यहाँ पे आप मतलब अचानक आए थे या फिर आपको किसी ने बताया था? जी, हमें इसकी खबर मिली थी कि ये बहन बहुत परेशान है, तो हम नहीं पाए थे इसलिए। तो यहाँ पे जब आप यहाँ पे आए तो आपने इनकी स्थिति किस तरह से देखी? हम यहाँ पे आए, इनकी स्थिति बहुत ख़राब थी, और इनकी 3 बेटियाँ हैं वो भी बहुत ख़राब है उनकी स्थिति भी, और इनके हस्बैंड उनकी स्थिति भी ख़राब है, पूरा घर मकान इनका ख़राब है। तो अब आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि इनकी हेल्प करी जाए, और प्रधान से भी यही कहूँगी कि इनकी हेल्प करें, सरकार से इनके लिए ये कहना चाहूँगी कि ऐसे लोगों पर ज़्यादा विशेष ध्यान दे सकते। क्या नाम है? मोहनलाल नाम। मोहनलाल, तो आप इन्हें जानते हैं? जी हाँ सर, जानते हैं। ये कौन लगते हैं आपके? मेरा भतीजा है। भतीजे आपके? तो कितने दिनों से इनकी जो हालात है? इनकी हालात करीब 1 साल हो गए। 1 साल हो गए। तो ये अपना घर का गुजारा किस तरह करते हैं? ऐसी भैंस है इनके पास, इसका दूध में बेच कर अपना गुजारा कर रहे हैं ये, और रिश्तेदार लोग वगैरह ससुराल या हैं, इनके वो मदद देते हैं, राशन पानी देते हैं। अच्छा, प्रधान ने कोई मदद नहीं की इन लोगों की? प्रधान ने अभी तक कोई मदद नहीं करी है। इनका घर जो है किस स्थिति में है इस समय? घर तो इस तरह टूटा भरा था। टूटा हुआ है? लेंटर है? नहीं है। नहीं, लेंटर नहीं है। क्या नाम है आपका? प्रेमवती। प्रेमवती। कहाँ रहती हैं आप? धर्मपुर में। क्या समस्या आ रही है आपको? समस्या बहुत आ रही है हमें, बताइए। तकलीफ भी है, सीधा घर गिर गया है। कितने समय से हैं? हो गई 2-4 साल है। तो इस हालात में आप काफ़ी समय से हैं? हाँ। तो कोई पेंशन वगैरह आ रही है आपको? कुछ नहीं आ रही है। कितने बच्चे हैं आपके? 3 लड़की। लड़का है एक भी? नहीं। तो आपके जो हस्बैंड है वो किस तरह से हैं? वो भी आपकी तरह हैं? हाँ, वो तो हमसे बेकार है। तो आपका घर कैसे चलता है? घर से ऐसे ही चलता है, रिश्तेदार दे जाते हैं, कुछ कर जाते हैं। तो आपने प्रशासन से शिकायत की इसको लेकर? शिकायत होते ही करी। तो आपके जो प्रधान हैं गांव के, उनसे भी आपने बोला या नहीं बोला? उनसे अभी नहीं बोला है। बोला नहीं है? उन्होंने आपकी स्थिति तो देखी होगी? हाँ, देखी होगी। पता नहीं है, पूरी बताया था। आपका क्या नाम है? रमेश। कहाँ रहते हैं आप? धर्मपुरा में। आप इनके कौन लगते हैं? पति लगते हैं आप इनके? तो जिस परेशानी में आप लोग रह रहे हैं, तो इसको लेकर आपने शिकायत की है किसी से? करते अधिकारियों से या आपके जो गांव के प्रधान है? प्रधान से शिकायत की है? प्रधान आए ना, शिकायत का करें। तो आप जिस अवस्था में इस समय रह रहे हैं, तो ना आप जा नहीं सकते? जी नहीं। आपसे चला नहीं जाता है? तो आपकी कोई पेंशन वगैरह? जी नहीं। राशन कार्ड कौन सा है आपका? सफ़ेद है जी। कितना राशन मिलता है आपको? मतलब 5 किलो। 5 किलो जी। तो उसमें 4-5 किलो। तो आप किस तरह से गुजारा करते हैं आप लोग?
ऐसे और मोहल्ला पड़ोस के वो कर रहा है मदद तुम्हारी, मोहल्ला पड़ोस के मतलब आपको दे जाते हैं जी, उससे गुजारा होता था आपका। अच्छा आपकी लड़कियाँ वो भी शादी के लायक हैं जी? हाँ, ये खड़ी